Hello everyone, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter in the earliest cities. Saving an old building यानी कि पुराने भवन का संरक्षण. जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old buildings that the children called the haunted house. Look at the architectures, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Why they wonder? Would anybody be interested in the old run down house? एक दिन जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग खंडर बन गए घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे जो है भूतिया घर कहते थे. ठीक है, उनमें से एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखिए. क्या पहले कहीं आपने लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने पूछा. ठीक है, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर उनसे निवेदन करना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर की मरम्मत कराने की व्यवस्था करें ताकि यह सुरक्षित रह सके. उनकी बातें सुनकर जसपाल हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है. द स्टोरी ऑफ हड़प्पा वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल. नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. To them it seems like a mound that was a rich source of ready made high quality bricks, so they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. यानी कि यहाँ पे बताया कि जो पुरानी इमारतें हैं वो अपनी कहानी स्वयं बताती हैं. आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने वाले जो इंजीनियर थे उनको अचानक हड़प्पा नामक पूरा स्थल मिल गया जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है. उन्होंने क्या सोचा कि खंडर से उन्हें रेलवे लाइन बिछाने के लिए अच्छी ईंटें मिलेंगी. ऐसा सोच करके वे लोग हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए और उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई. इस कारण से बहुत सी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई. आगे देखिए इसमें. Then about 80 years ago, archaeologists found the sites and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. All other sites from there, similar buildings were described as Harappa. These cities developed about 4,700 years ago. इसके बाद से आज से लगभग 80 साल पहले जब पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा तो पता लगा कि ये खंडर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है. ठीक है, इस नगर की खोज सबसे पहले होने के कारण बाद में मिलने वाली इस तरह की इमारतें और अन्य चीज़ों को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, चाहे वह इस तरह के अन्य पुरास्थलों से मिली हो. ठीक है, इन शहरों का निर्माण आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ था. आगे देखिए. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. देखिए व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज. What was special about these cities? Many of these cities were divided into two or more parts. Usually the parts of the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally the part of the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often blocks of baked bricks were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking patterns and that made the wall strong. देखिए इन नगरों में क्या हुआ कि जो अधिकांश जो है को दो हिस्सों में बांटा गया. पश्चिम भाग अक्सर छोटा होता था और जो है लेकिन ऊंचाई पर स्थित होता था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था और ये निचले इलाके में होता था. ऊंचाई पर स्थित भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का नाम दिया और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया. निचले हिस्से को क्या कहा गया? लोअर टाउन. ठीक है, निचला नगर कहा गया. इन दोनों हिस्सों की चार दीवारियों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था. ये ईंटें इतनी अच्छी होती थी कि आज हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें जो कि तो खड़ी थी. दीवारों की चिनाई इस तरह की गई थी कि दीवारें खूब मजबूत रहें. ठीक है, आगे देखिए. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster, and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from two sides, while there were room on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important peoples took a dip in this tank. आगे देखिए, on special occasion. यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ नगरों के जो नगर दुर्गों में कुछ विशेष प्रकार की इमारतें बनाई गई और मोहनजोदड़ो में बनाया गया जो है खास तालाब इसका एग्जाम्पल है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार घर का है। इस तालाब को ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए इसे प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक परत भी चढ़ाई गई थी और इस तालाब में उतरने के लिए दो और से सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसे कुएं के पानी से भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इस स्नानागार में विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही स्नान करते थे। ठीक है, आगे देखिए। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेज। लोथल और कालीबंगा जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, वहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी पाए गए हैं। आगे देखिए, ये आप देख सकते हैं ग्रेट बाथ। ठीक है, आगे देखो। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 स्टोरीज हाई विद room built around a courtyard. Most house had a separate bathing areas and some had wells to supply water. Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines, although you cannot see each drains had a gentle slope so that water could flow through it. Very often drains in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at interval to clean them. All three houses, drains and street were probably planned and built at the same times. यहाँ पे क्या बताया गया है कि भवन, नाले और सड़कें, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। भवन, नाले और सड़कें, ठीक है। ये इन नगरों के घर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ अनेक कमरे बनाए जाते थे और इन नगरों के अधिकांश घरों में एक अलग से स्नान घर होता था। ठीक है, जबकि कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। बहुत से नगरों में ढके हुए नाले भी मिले हैं। ये सावधानी से सीधी लाइन में बनाए गए थे। प्रत्येक नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की बड़ी नालियों से जोड़ा जाता था। ये बड़ी नालियाँ जो है बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। इन नालों के ढके होने के कारण जो है जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे ताकि इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कें योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, आगे देखिए। लाइफ इन द सिटी। नगरीय जीवन। हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. देर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी. दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. It is likely that the rulers sent peoples to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves, and there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. ठीक है, आगे देखिए। इसमें बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन्स क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन हाउस और इन स्पेशल वर्कशॉप. पीपल वर ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज. मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रंस मस्ट हैव प्लेड विद दीज. देखिए, इसमें क्या बताया है। हड़प्पा के जो इन नगर हैं इनमें बड़ी हलचल रहती थी और इन नगरों में कुछ ऐसे लोग भी रहते होंगे जहाँ पर जिन्होंने क्या किया, खास इमारतें बनाने की योजना में वो लगे रहते थे। ठीक है, ये लोग यहाँ के शासक होते थे और ये भी संभव हो सकता है कि ये शासक लोगों को दूर दूर भेज करके धातु और बहुमूल्य पत्थर और दूसरी उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते थे। ठीक है, शासक लोग जो क्या करते थे, खूबसूरत मनको और सोने चांदी से बने आभूषण और जो कीमती चीज़ों को अपने पास ही रखते होंगे। ठीक है, इन नगरों में लिपिक भी रहते थे। आगे देखिए, जो मोहरों पर लिखते थे, शायद वे अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे लेकिन ये चीज़ें बच नहीं पाई। इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों और उद्योग स्थलों पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते होंगे। ठीक है, लोग लंबी लंबी यात्राओं पर भी जाते थे जहाँ से वो लोग क्या करते थे, उपयोगी वस्तुएं लाते थे। वस्तुओं के साथ साथ वे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ भी लाते थे। नगरों की खुदाई के दौरान मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते थे। ठीक, ये देख सकते हैं आप। New crafts in the city. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappa cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stones, shells and metals including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. ठीक है, आगे देखिए। इसमें The Harappa also made shields out of stones. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. The Harappa also made pots and beautiful black designs such as the one shown on page 6. देखिए इसमें क्या बता रखा है. New crafts in the city. नगर और नए शिल्प की इसमें देखेंगे कि खुदाई के दौरान जो है हड़प्पा के जो नगरों से जो प्राप्त हुई चीज़ें उनका भी अध्ययन किया. ठीक है, पुरातत्वविदों को वहाँ से पत्थर मिले, शंख मिले और तांबे और कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुएं भी मिली हैं. कांसे से गहने, हथियार, औजार और बर्तन बनाए जाते थे, जबकि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे. यहाँ पर जो है मन के बाट, फलक अब तक मिली सर्वाधिक आकर्षक वस्तुएँ थी. ठीक है, आगे देखिए इसमें. और इस सभ्यता के जो लोग हैं पत्थरों से मोहरे बनाते थे. आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र भी अधिक मिले हैं. हड़प्पा सभ्यता के लोग खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिन्हें काले रंग से डिजाइन किया जाता था. आगे देखिए. Cotton was probably grown at Mehrgarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloths were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle board made of terracotta and fans. These were used to spin thread. Many of things that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stones or polishing beads. और कार्विंग सील्स. लुक एट द इलस्ट्रेशंस एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन. दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन्स. नॉट एवरीबॉडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट. वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन्स वर स्पेशलिस्ट. परहैप्स सम वुमेन्स एंड मेन्स मे हैव बीन स्पेशलिस्ट. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये भी संभव है कि आज से लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के जो लोग हैं वो कपास की खेती करते थे. ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कपड़े के टुकड़ों के कुछ अवशेष मिले, चांदी के फूलदान के ढक्कन. ठीक है, और क्या क्या मिले, तांबे के कुछ दूसरी वस्तुएं उनसे चिपके हुए मिले. ठीक है, वहाँ पर मिली पक्की मिट्टी और फेंस की बनी तकलियों से भी संकेत मिलते हैं. वहाँ पर सूत की कताई का काम भी होता था. ठीक है, और इनमें से ज़्यादातर चीज़ों का जो निर्माण है विशेषज्ञों ने किया था. किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेने वाले को ही विशेषज्ञ कहते हैं. ठीक है, पत्थर तराशना, मन के चमकाना, मोहरों पर प्रचिकारी करना, ये सब क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, अब मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी को कितनी अच्छी तरह बनाया गया है, ये मूर्ति किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार ने ही बनाई. और नॉट एवरीबॉडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट. वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट. परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट. यानी कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता था. इससे हमें ये भी पता चला, हमें यह पता नहीं है कि ऐसे कामों में प्रशिक्षण केवल पुरुष ही हासिल करते थे या फिर सिर्फ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे. ठीक है, आगे देखिए. In search of raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metal, or produced by farmers or herders. These are then proceeded to produce finished good. For example, cotton produced by farmer is a raw material that may be proceeded to make clothes. While some of the raw materials that the Harappa used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant places. The Harappa probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in. देखिए आगे. वेस्ट एशिया. टीन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रोड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. देखिए इसमें क्या बताया गया है. कच्चे माल की खोज में क्या बताया है कि जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलने वाले पदार्थों को कच्चा माल कहते हैं. ठीक है, इनका उत्पादन कौन करता है, किसान या पशुपालक करते हैं. लकड़ी या धातुओं की जो अयस्क है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं इनसे बनाई जा सकती हैं. किसानों द्वारा पैदा की कपास को कच्चा माल कहते हैं. बाद में इनसे कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है. हड़प्पा नगर में रहने वाले लोगों को अधिकांश चीज़ें वहीं पर मिल जाती थी, लेकिन सोना, लोहा, तांबा और बहुमूल्य पत्थरों का वे दूर दूर से आयात करते थे. ठीक है, आज के राजस्थान से तांबे का आयात करते थे. पश्चिमी एशियाई देशों ओमान से भी तांबा मंगवाया जाता था. ठीक है, और कांसा बनाने के लिए तांबे में मिलाई जाने वाली तीन धातु आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। आधुनिक कर्नाटक से सोने और गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर का आयात किया जाता था। आगे देखिए इसमें फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, नगरों में रहने वालों के भोजन। देखिए कि while many people lived in the cities, other living in the countrysides grew crops and reared animals. These farmers and herders supply food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappa grew wheat, barley, pulse, peas, rice, sesame, lime seeds and mustard. A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soils and planting seeds, while real plough, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found at this region does not receive a heavy rainfall. Some from the irrigations may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when the plants were grown. The Harappa reared cattle, sheep, goats and buffaloes. Water and pastures were available around settlement. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि नगरों के अलावा गांवों में भी लोग निवास करते थे। वे खेती और जो पशुपालन का काम भी करते थे। किसान और जो चरवाही हैं नगरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और जो है दस्तकारों के लिए खाने का सामान उपलब्ध करवाते थे। पौधों के अवशेष से लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जौ, दालें, गेहूँ, मटर, धान, तिल और सरसों की खेती करते थे। देखिए अ न्यू टूल द प्लो वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सोइल्स एंड प्लांटिंग सीड्स, यानी कि जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करना उनके लिए एक नई बात थी। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले हल तो नहीं बच पाए, लेकिन जो लकड़ी के बने होते थे ये और हल के आकार जैसे खिलौने मिले हैं। इस प्रदेश में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए उन लोगों ने कुछ तरीके भी अपनाए होंगे। वे क्या करते थे, पानी को स्टोर करके रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई भी से की जाती थी। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया देखो। इस सभ्यता के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। इनकी बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह स्थित होते थे, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में मवेशियों के झुंडों को चारे और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाना पड़ता था। ठीक है, जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और हिरणों का शिकार भी करते थे। आगे देखिए अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात, एक सूक्ष्म निरीक्षण है ये गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोइल्स अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पा सिटीज विच वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडिंग विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे. देर was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappa script that were carved out of the white stones and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappa writing has been found on small objects such as seal. देखिए गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, पानी भी साफ था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर नगर दो भागों में बटे हुए थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया। इनके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इनमें प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में खुला मैदान था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर पत्थर के कुछ ऐसे अवशेष भी मिले हैं जिन पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर भी खुदे हुए हैं। इन अभिलेखों में को लकड़ी में जड़ा गया था और ये अवशेष बहुत ही अनोखे हैं क्योंकि हड़प्पा के ज़्यादातर लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं के रूप में पाए जाते थे। आगे देखिए द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंभात. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल. दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन्स, सेल्स एंड मेटल्स. देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी. मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस. यानी कि गुजरात की जो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक सहायक नदी के तट पर बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा हुआ था जहां पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता था। ठीक है, ये नगर पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक विशाल भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से अनेक प्रकार की मोहरें और मोहरबंदी मिले। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए A building that was found here was probably a workshop for making beads. Piece of stones, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here. लोथल में देखिए क्या मिला कि मनके बनाए जाते थे। यहाँ पर पत्थर के विभिन्न आकार के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। अराउंड 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing, seal, and wheat were no longer used. Raw materials brought from long distance became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets. The drainage system broke down, and new, less impressive houses were built, even over the street. देखिए कि लगभग 3900 साल पहले या एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों में रहना छोड़ दिया। लोगों ने लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग एकदम बंद कर दिया। दूर के क्षेत्रों से कच्चे माल की आवक काफ़ी कम हो गई। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकास प्रणाली भी लगभग नष्ट हो गई। लोग सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बना करके रहने लगे। ठीक है, अब आगे देखिए। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for making bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. इसमें क्या बताया कि ये सब क्यों हुआ होगा, इसका कुछ पता नहीं है। कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि अचानक से नदियाँ सूख गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि जंगलों का जो विनाश हो गया था, क्योंकि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। साथ ही मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के कारण चारागाह और घास वाले मैदान भी खत्म हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई कई कारणों से, लेकिन कुछ भी कारण स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इन सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, कोई क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का प्रभाव तो केवल कुछ ही नगरों पर पड़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए। इसमें It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. Sites in Sind and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many peoples moved into newer, smaller settlement to the east and south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 6 and 9. यानी कि देखिए कि ऐसी भी संभावना मानी गई है कि जो शासक थे उनका नियंत्रण समाप्त हो गया था। कुछ भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां भी तभी उजड़ी थी। हजारों लोगों ने दक्षिण और पूर्व में छोटी छोटी बस्तियां बना करके रहना शुरू कर दिया। इनके लगभग 1400 वर्ष बाद कुछ नए नगरों का भी उदय हुआ, और इनके बारे में हम चैप्टर 6 और 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।